शीट का फॉर्मेट हमने पढ़ लिया राइट right? तुम देख सकते हो ये सारे क्लासिफिकेशन भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और ये पूरा फॉर्मेट देख लिया हमने राइट कॉस्ट ऑफ सेल्स वी एड प्रॉफिट यू गेट सेल्स अब बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड स्टॉक की बेटा जो फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद है ओके okay? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो ये जो वैल्यू है वो लोग दे भी सकते हैं वो लोग नहीं भी दे सकते तो तुम क्या करोगे अगर नहीं दिया तो तो देखो जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज प्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस ईयर तो इट हैज टू बी वैल्यूड एट प्रीवियस ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओके जैसे मान लो थाउजेंड यूनिट ओपनिंग स्टॉक में है ऐसे दिया है और मेंशन किया है कि प्रीवियस ईयरस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज फिफ्टी पर यूनिट सो वी विल टेक ये प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सो वी विल टेक थाउजेंड इन टू फिफ्टी एज आर ओपनिंग स्टॉक वैल्यू विच कम्स टू फिफ्टी थाउजेंड इज दैट क्लियर फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑब्वियसली स्टॉक इज प्रोड्यूसर सो बचा हुआ है तो इट टू ऑफ प्रोडक्शन ये तुमको जैसे ये 50 दिया था प्रीवियस प्रोडक्शन करंट ईयर प्रोडक्शन तुमको नहीं देंगे तुमको कैलकुलेट करना होगा तो किधर से लाओगे अरे इधर ही तो है ये फॉर्मेट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला तो मान लो इधर लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइव लैख और हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी है यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय होता है पर यूनिट तो यही है तुम्हारा करंट ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इसी कॉस्ट पर यूनिट पे तुमको क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक इज फाइव यूनिट्स

प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देते ही नहीं है क्लोजिंग स्टॉक दिया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट भी कर लिया तो ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू निकालू कैसे मेरे पास तो प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं तो इन दैट केस मैं एक रैशनल अजम्पशन लूंगी अजम्पशन ये होगा कि last year's cost of production is same as current year's cost of production i repeat i'll take the assumption that last year's cost of production is same as current year's cost of production okay so i will take at value 5 which will be 1000 into phi, 5 5000 okay so this is how you will value your opening stock and closing stock ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट तो हमेशा रहेगा सम में फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है वो बता देती हूं अस टॉक अबाउट सॉरी यस लेट अस टॉक अबाउट दिस डब्ल्यू आई पी स्टॉक ये जो डब्ल्यू आई पी स्टॉक है हमेशा तुमको दिया जाएगा तुमको इसका कोई वैल्यूएशन करना नहीं है तो कौन से चैप्टर में वैल्यू करना है तो सब बताती हूँ सुनो मुझे बताओ जो स्टॉक है वो कितने टाइप का स्टॉक है रॉ मटेरियल स्टॉक डब्ल्यू आई पी स्टॉक फिनिश गुड्स स्टॉक फिनिश गुड्स का तो तुमने अब भी देख लिया डब्ल्यू आई पी स्टॉक तुमको शीट में नहीं तुमको चैप्टर में सिखाया जाएगा तो विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्टॉक इफ यू want टू लर्न देन इट विल बी टॉट इन द चैप्टर materials, ओके सो बस यही सीखना है सॉरी तुमको फिनिश गुड्स का ही सीखना है और वो मैंने ऊपर सिखा दिया एक और चीज रह गई वो ये है सेल्स क्वांटिटी प्रोडक्शन क्वांटिटी। क्या ये क्वेश्चन में दिया रहेगा दे सकते हैं अगर मिसिंग हो तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा दोनों में से एक दोनों में से एक यू नो मिसिंग होगा या तो सेल्स देंगे या तो प्रोडक्शन देंगे ऐसा तो दूसरा ढूंढना पड़ेगा तो कैसे तो एक बहुत ही लॉजिकल कैलकुलेशन है we will start like this opening stock of finished goods quantity lena hai then we will add production barabar maan lo mere paas 5000 tha मैंने और पंद्रह हजार प्रोड्यूस किया तो मेरे पास टोटल हो गया बीस हजार अब उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसको माइनस कर दो लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक इज 2000 इट मींस आई हैव सोल्ड 18000 राइट सो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक यू विल गेट सेल्स आई रिपीट ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक यू विल गेट सेल्स क्वांटिटी अब अगर तुमको सेल्स पता है प्रोडक्शन मिसिंग है तो रिवर्स जाके कैलकुलेट कर लेना right so these are adjustments that will be asked in cost sheet so now without wasting time let us start with the sums Ab <clears throat>